एकेडमी है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का, बहुत सारे हमारे अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, आपको मालूम होगा, तो एकेडमी के ही स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में आर्ट्स काउंसिल डांस एकेडमी के स्टूडेंट्स। लाइट्स ऑफ कीजिएगा ऑडियंस वाली, थैंक यू।
जी परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? और मुझे यकीन है इसके बाद जितनी परफॉर्मेंसेस होंगी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगली जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मैं थोड़ा सा मुख्तसरन बताता चलूं, क्योंकि बातें हम कम करेंगे। जितने भी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं वो डांस देखने ही आए हैं, रक्स देखने आए हैं, तो गुफ्तगू हम कम ही करेंगे। लेकिन जो हमारे फनकार हैं इनको इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है। हम सबको मालूम होना चाहिए कि जितने हमारे फनकार हमारे सामने आकर परफॉर्म करते हैं उनके बारे में जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। मुनव्वर हुसैन चाओ, लेकिन हम सब मुनव्वर हैदर चाओ, हम मानी चाओ के नाम से ही जानते हैं, इसीलिए मुनव्वर हैदर बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। गुज़श्ता 27 सालों से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, पेशे के एतबार से आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं और दरसो तदरीस से मुंसलिक हैं एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े अदारे के साथ कराची में, और माजी में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के साथ बतौर बॉडी लैंग्वेज टीचर भी काम कर चुके हैं। थिएटर और डांस एकेडमी है इनका अपना, चाओ डांस एंड थिएटर के नाम से। मुख्तलिफ ममालिक में ये अपने फ़न का मुजाहिरा कर चुके हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और इनकी चंद परफॉर्मेंसेस इनका तज़किरा करना ज़रूरी है। कराची आर्ट्स काउंसिल जो कराची आर्ट्स काउंसिल के फैकल्टी मेंबर भी हैं, और 2014 में रक्स में है सारा जहां इनकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद 2015 में डांस डेमोक्रेसी और फिर कराची लिटरेचर फेस्टिवल में भी ये परफॉर्म कर चुके हैं, और हां 2018 में कराची डांस फेस्टिवल जो कि कराची आर्ट्स काउंसिल में ही इसका इनेकाद किया था, पाकिस्तान भर से 148 डांसर यहाँ पर मौजूद थे, फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया था और अपनी नौइयत की पहली तकरीब थी। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मानी चाहो। Yeah.
थैंक यू वेरी मच मानी चाव साहब. जो हमारी अगली परफॉर्मेंस होगी, खुरम ताल साहब, इनके लिए भरपूर तालियां बजाइए. खुरम ताल साहब अपने फन का मुजाहिरा करेंगे, जो कि फैकल्टी मेंबर हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची डांस एकेडमी के. और जो परफॉर्मेंस होगी इनकी, कथक और पाकिस्तानी फोक पर मुश्तमिल इनकी परफॉर्मेंस होगी. तो आप सबकी भरपूर तालियों में खुरम ताल साहब.
आपकी तालियों से अंदाज़ा हो गया कि आपने यकीनन इंजॉय किया और वंस मोर के नारे आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद बहुत अच्छी और भी परफॉर्मेंसेस होंगी, बस आप इंतज़ार कीजिए जो अगली परफॉर्मेंस होगी जी। आपको मालूम है पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंग हैं और मुख्तलिफ मुनफरिद रिचुअल्स हैं, और यही खूबसूरती है कि हर इलाके का हर खित्ते का अपना एक अलग रंग है। और अगली जो परफॉर्मेंस आपके सामने पेश की जा रही है वो है यासिर डाडा ग्रुप, और ये फिशर फोक डांस आपके सामने पेश करेंगे, तो भरपूर तालियां होनी चाहिए इनके लिए। I
बिला ताखिर अगली जो हमारी परफॉर्मेंस है उसकी तरफ हम जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा गनी से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी परफॉर्मेंस का। जी गनी साहब जो कि फैकल्टी मेंबर हैं कराची आर्ट्स काउंसिल डांस एकेडमी के और साथ ही साथ जो रक्स का सफ़र में इनकी परफॉर्मेंस सूफी मिक्स है, तो आप सबकी भरपूर तालियों में गनी।
और मुझे मालूम है यहाँ पर बीच में जो बातें हैं इजाफी है, और हमारी कोशिश भी यही है कि मुख्तसर बात करें और जो परफॉर्मेंस है उसको हम इंजॉय करें। जो अगली परफॉर्मेंस है मेरा ख्याल है इनके बारे में कुछ बातें बताना ज़रूरी है। वहाब शाह साहब का नाम किस किस ने सुना है? वहाब शाह गुज़िश्ता 15 सालों से डांस कर रहे हैं। इनका एक इदारा है वहाब शाह डांस कंपनी, और 20 से ज़ायद ममालिक में ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और इनके परफॉर्मेंसेस के हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ आप देख लीजिए और दिल थाम के देख लीजिए। Thank you.
वंस मोर की आवाजें नहीं आ रही। चलिए अगर आवाजें आएंगी, तालियां होंगी तो वंस मोर। और अगली जो परफॉर्मेंस आपने चंद साल पहले देखा भी होगा, और अब भी लंदन की गलियों में सड़कों पर एक बंदा दीवानावार रक्स करता हुआ देखा जाता है। और जब मैंने डांस के हवाले से वहाब भाई से सवाल पूछा तो बड़ा खूबसूरत इनका जुमला था कि डांस को किसी कायदे में कैद नहीं करता। तो अगली जो परफॉर्मेंस आपने सोशल मीडिया पर आप देख भी चुके होंगे, पहली मरतबा हमने भी लंदन की गलियों में जो डांस कर रहे थे और सोशल मीडिया पर जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, वही वाली परफॉर्मेंस अभी परफॉर्म करेंगे। एक मरतबा फिर तालियां होनी चाहिए वहाब शाह के लिए। कदे अपने आप नू पढ़िया ना, बज बज वड़ने मंदर मसीती, वे कदे मन अपने विच वड़िया ना। कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ना, बुल्ले शाह आसमानी उड़दिया फड़ो नहीं, जेड़ा घर बैठा उन्हू फड़िया ना। Thank you.
जो ना जाने हक की ताकत, जो ना जाने हक की ताकत, जो ना जाने हक की ताकत, रब ना देवे उसको हिम्मत, रब ना देवे उसको हिम्मत। हम मन के दरिया में डूबे, हम मन के दरिया में डूबे, कैसी नैया क्या मंजदार, बस करी मैं आपके सामने आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची डांस एकेडमी के जो हेड हैं, रूह रवा हैं, मानी चाओ को मानी चाओ से मैं मुल्तमिस हूं कि वो इस पूरी परफॉर्मेंस के हवाले से और इस तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया, और इतनी ज़बरदस्त एनर्जेटिक ऑडियंस थी, थैंक यू सो मच। और सबसे शुक्रिया वहाब शाह गनी, जो हमारे फैकल्टी के हैं, गनी सर, खुर्रम ताल जो के, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा शाह साहब का करना चाहूँगा, प्रेजेंट आर्ट्स काउंसिल के, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और हमारी एकेडमी को और इन्हांस किया। और हमारे ये जो पहला परफॉर्मेंस आपने देखा था वो बच्चों का एक इम्प्रोवाइजेशन था, तो बस वो एक चीज़ थी। तो मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरमान, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, दानियाल और जो भी हमारे साथ थे, आज़ेब वगैरह, उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से हमारी और एनर्जी बढ़ी। बाहर उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब का प्रोग्राम है, आप सब से दरख्वास्त है कि आप लोग